हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोबेस क्लासेस। आज हाँ, हम इस वीडियो में हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग प्रीवियस में पढ़े पहले पढ़े कि पांच चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग अपना न्यू चैप्टर चैप्टर सिक्स, जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, उसके बारे में पढ़ेंगे। आखिर ये चैप्टर होता क्या है और इस चीज में समझेंगे कि चेंज कितने तरीके के होते हैं, कैसे पहचानेंगे कौन सा चेंज है, वो फिजिकल है वह क्या केमिकल है, तो ये चीज़ पढ़ेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं इंट्रोडक्शन में कुछ सवाल आपसे पूछ लूँ, ठीक है? तो हम अपने डे टू डे लाइफ में अगर हम बात करें, हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं हर तरह का चेंज हो रहा है, हर दिन कुछ बदलाव हो रहा है या कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है। जैसे अगर हम बात करें कि, वैसे ही हम एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हम यहाँ इस वीडियो में दे करके रखे हैं, इस कंटेंट में जो मैं हम बनाए हैं उसमें आपको वही एग्जाम्पल से बात करेंगे जो कि इसमें दिया हुआ है, ठीक है? तो बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें कि चीनी को पानी में डालना, डिजॉल्व करना, ये भी एक अलग। चीनी को क्या किए, पानी में डाले, देखे थोड़ी देर बाद घुल गया, गायब हो गया, ठीक है? ईंधन को जलाना, फ्यूल्स को बोलते हैं, पेट्रोल डीजल को बर्न करते हैं ना, तो देखते हैं वो क्या होता है, वो गैस बन के डालते हैं लिक्विड और गैस बन के सारा पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। लकड़ी का जलाना, ठीक है, दही में कन्वर्ट होना, दूध का दही में बदलना, रबर बैंड को खींचना और वापस से वही सेम पोजिशन पर चले आना रबर बैंड का, ठीक है, खाना बनाना, और ये सब बहुत सारे ऐसा चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है। तो ये हर तरह का जो ये रिएक्शन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, इसमें जो मटेरियल है या जो सबस्टांस है उसमें या तो ये हो रहा है, या तो वो नया प्रोडक्ट बन जा रहा है, या तो अपना वो क्या कर रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज ला रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहने का मतलब क्या है कि वो नया चीज़ नहीं बनेगा बल्कि उसी में चेंज हो। जैसे कि अगर हम पेपर को फाड़े, तो पेपर को फाड़ेंगे तो पेपर ही रहेगा, ठीक है, भले उसका क्या होगा, साइज़ जो होगा एक पेपर का बड़ा से छोटा हो जाएगा। तो ये चीज़ बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ हो रहा था हमारा चेंजेस में, ठीक है, फिगर के जरिए। तो अगर हम रबर बैंड की अगर हम बात करें, तो देखते हैं कि उसको खींचते हैं वापस से वो अपना ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है। तो ये जिसको स्ट्रेचिंग के कारण क्या होता है कि उसको खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, फिर वापस से नॉर्मल पोजीशन पे चला गया। तो ये सब कुछ चेंजेस है देखने को मिल रहा है। अगर हम ये बात करें कि हम अपने बॉडी का एग्जांपल भी ले लें, तो डे बाय डे हम लोग टॉलर और हेल्दियर होते जा रहे हैं, तो इसका कारण क्या है, या ग्रो करते जा रहे हैं, तो ये भी एक चेंज का नाम है। क्या चीज़ का नाम है, चेंज का, यानी कि हमारा बॉडी में भी बोल सकते हैं कि वो हमेशा क्या हुआ, चेंज उसमें हो रहा है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं चीज़ों को यहाँ से ध्यान से, चीज़ों को ध्यान से चलते हैं, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि अब डेफिनेशन पे चलते हैं चेंज क्या होता है। तो देखिएगा, अल्ट्रेशन का मतलब होता है मॉडिफिकेशन, क्या होता है, मॉडिफिकेशन या बदलाव। अल्ट्रेशन का मतलब मॉडिफिकेशन या बदलाव होता है, ठीक है, जिसको हम लोग मॉडिफाई कह सकते हैं। एनी मॉडिफाई या एनी चेंज ऑफ या एनी अल्ट्रेशन ऑफ ए सबस्टांस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज एंड स्टेट इज नोन एज चेंज। मतलब किसी भी सबस्टांस का अगर ओरिजिनल शेप, साइज या स्टेट मतलब उसके रूप में, ठीक है, में अगर बदलाव आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चेंज, ठीक है। लेकिन ये जो चेंज हो रहा है ना, ये क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, रिवर्स कर जाता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम कुछ एग्जांपल्स आपको लेते हैं, कि जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर हम मोमबत्ती को जलाएं, ठीक है, मोमबत्ती को जलाएं, तो वो क्या करेगा, मोम को अगर हम जलाएंगे तो देखिएगा, मोम को अगर हम क्या करेंगे, पिघलाएंगे, फिर से उसको हम पिघल करके उसको मोम बना सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल हो गया, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर आइस को अगर हम क्या करें, पिघलाएं, ठीक है, तो वो पानी बनेगा, फिर से हम पानी को अगर हम चाहें तो फ्रीज करके क्या बना सकते हैं, आइस बना सकते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, रिवर्स। रिवर्स कहने का मतलब क्या हो जा रहा है कि एक बार बदल दिए, फिर से वापस से उस पुराने रूप में, ओरिजिनल रूप में आ गया। तो चेंजेस दो तरीके से हो सकते हैं, एक रिवर्सिबल चेंज हो जाएगा, एक आपका इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। इसका डिस्कशन मैंने लास्ट में किया है, इसको मैं बाद में बता दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं समझना है कि जो चेंज वापस से बदल जाते हैं, मतलब बोलते हैं कि वो बदले और वापस से अपना ओरिजिनल शेप धारण कर लेते हैं, उस चेंज को हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल चेंज। और वैसा चेंज जिसमें एक बार जब उसको बदल दिए तो वापस वो अपने ओरिजिनल रूप में नहीं जाएगा, तो उसको बोलेंगे इरिवर्सिबल चेंज। जैसे खाना का बनाना, अगर हम कुकिंग ऑफ फूड की बात करें, चावल को बना दिए तो चावल बने, फिर से क्या वो चावल अपने ओरिजिनल शेप में जाएगा क्या, नहीं। सब्जी को बना दिया, अब सब्जी क्या फिर से वो पोटैटो जो उसका होगा ओरिजिनल शेप में जाएगा क्या, नहीं। तो ये सब केमिकल चेंज में आता है। टियरिंग ऑफ पेपर, अगर पेपर को फाड़ दिए तो पेपर को क्या फिर से हम ज्वाइंट कर सकते हैं, बोले सर टेप लगा के ज्वाइंट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एक दाग रह जाएगा, ओरिजिनल जैसा वो था वैसा हो सकता है क्या, नहीं। तो ये सब सारा केमिकल चेंज में आएगा, ठीक है, या बोल सकते हैं जिसको इरिवर्सिबल चेंज। एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब क्या, जिसको हम लोग दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, राइट। तो
अपने डेफिनेशन पे कि हम लोग चेंज को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। जनरली इसके टाइप्स की अगर बात करें तो इसके दो टाइप्स हो गए, एक होता है आपका फिजिकल चेंज हो गया, एक आपका केमिकल चेंज। तो पहले समझते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है। वैसा चेंज, फिजिकल का मतलब, ये वर्ड का मतलब समझ लीजिए, इसको शारीरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शारीरिक, ठीक है। जो कि शारीरिक रूप से अगर बदलाव आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। मतलब बाहरी रूप से, दिखावटी रूप से बदलाव होगा, अंदरूनी कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो फिजिकल चेंज रिफर उसको कहेंगे, वैसे को बोलेंगे, जिसमें क्या होगा, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएगा, जैसे कि उसका शेप में, साइज में, कलर में और उसके स्टेट में, जिसको रूप बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज जो होता है रिवर्सिबल चेंज होता है, मतलब क्या, उसको वापस से उसको ओरिजिनल शेप में क्या कर सकते हैं हम लोग? ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ला सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें फिजिकल चेंज, इसमें ध्यान देगा कि नया सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं होता। मतलब कि अगर हम उसको एक पेपर को फाड़े तो फाड़ेंगे तो वो भी पेपर ही रहेगा, वो ऐसा नहीं होगा फाड़ेंगे पेपर और निकल जाएगा क्या बोलते हैं, गोल्ड का शीट्स, ऐसा नहीं होता है। तो उसमें चेंज नहीं, उसके केमिकल चेंज में चेंजेस नहीं होता, बल्कि हम बोल सकते हैं कि वो फिजिकली रूप से चेंज होता है। कैसी रूप से? फिजिकल रूप से। मतलब नए सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। फिर उसी तरीके से सिमिलरली नीडिंग ऑफ फ्लोर टू डफ चेंजेस इन इट्स स्टेट। इसको हम लोग अगर सिंपली रूप में, हिंदी वर्ड में समझे तो आटा का गूथना, ठीक है, जो घर में होता है ना, आटा को गूथा जाता है और उसको क्या किया जाता है, पानी के साथ कंबाइन किया जाता है। नीडिंग मतलब होता है मिलाना, फ्लोर मतलब होता है आटा, और डफ मतलब होता है जो कि मिक्सचर ऑफ वाटर एंड फ्लोर, आटा और पानी का जो मिक्सचर, तो उसको हम लोग डफ बोलते हैं, यानी कि हम लोहा जिसे, लोया जिसे बोल सकते हैं, ठीक है, हिंदी वर्ड में जो बोलते हैं रोटी बनाने के लिए जो होता है, मतलब जो जो बन जाता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डफ बोलते हैं, जब आटा को और पानी को मिलाते हैं। तो ये भी एक आपका केमिकल चेंज है। एक बार जब वो स्टेट हो गया तो उसको क्या कर सकते हैं, सॉरी क्या बोलती है, फिजिकल चेंज में आता है। कैसी में आता है? फिजिकल चेंज में, ठीक है। जब इसको देखो उसी तरीके से अगर बात करें, इसके सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा था तो ये आटा ही, ठीक है, था तो ये आटा ही। और इसके अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो आपको देख रहे होंगे कि जब इसको डफ करेंगे तो उसको भी आटा ही कहेगा ना, रोटी तो बना नहीं वो, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी आपका फिजिकल चेंज है भाई, पता है कि जब हम आइस को मेल्ट करेंगे, ठीक है, तो वाटर बनेगा और फिर उसको हम फ्रीज कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? आइस बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। रोलिंग ऑफ चपाती, अगर चपाती को क्या कि हम पतला से पतला रोटी बना दिए फिर उसको रोल करके हम गोल बना सकते हैं ना, तो ये भी क्या है आपका? फिजिकल चेंज है। क्रस्ट कैन, क्रस्ट कैन, अगर केक कैन है उसको हम क्रश कर दिए, क्रश करके उसको रिसाइकिल करके फिर से कैन बन सकता है, तो ये सब सारा फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में केमिकल चेंज। आई थिंक फिजिकल का सारा एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ ना, हाँ, ठीक है। केमिकल चेंज में आते हैं, तो केमिकल चेंज में मैंने बताया कि इसमें नए सबस्टांस का प्रोडक्शन होगा, मतलब पुराना वाला से नए वाले का कोई ताल्लुकात नहीं होगा, वो बिल्कुल एक नया चीज़ ही होता है। तो एक वैसा चेंज दैट लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ, दैट लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सबस्टांस, वैसा चेंज जिसमें क्या होगा, नए सबस्टांस का प्रोडक्शन होगा। क्या होगा? प्रोडक्शन होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। और इस तरह के चेंज को हम लोग इरिवर्सिबल बोलते हैं। इरिवर्सिबल मतलब जिसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लाया जा सकता, ठीक है। जैसे सम ऑफ द केमिकल चेंजेस जो हमारे डे टू डे लाइफ में होते हैं, उसमें रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे पे जंग लगना, सिल्वर पे ज्वेलरी पे गेटिंग टार्निश, सिल्वर ज्वेलरी टार्निश, लोहे पे तो जंग लग गया, और जो सिल्वर ज्वेलरी जो होते हैं, जो सिल्वर के ज्वेलरी देखिएगा पानी से क्या होता है ना, उसका कलर ब्लैक हो जाता है, जिसको टार्निश बोलते हैं, फेड हो जाना, ठीक है। कॉपर आर्टिकल्स गेटिंग कवर्ड बाई ग्रीन लेयर, और देखिए कॉपर के जो बर्तन या बोलते हैं या कॉपर के जो वस्तु होते हैं, उस पर ग्रीन कलर का लेयर चढ़ जाता है, मतलब हर तरह का इसमें चेंज देखने को मिल रहा है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें समझना है, उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। देखिएगा ये रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब पहले हम रस्ट समझते हैं, रस्ट का मतलब होता है जंग, क्या होता है? जंग, जंग लगना। अगर हम बात करें रस्ट को लगने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, एक तो आपका आता है मॉइस्चर, ठीक है, एक आता है मॉइस्चर और एक आता है आपका ऑक्सीजन। अगर ये दो चीज़ उसको मिलेगा कोई भी सब, कोई भी लोहे को, कोई भी मेटल्स को, तो उस पर जंग लग सकता है। क्या लग सकता है? जंग, ठीक है। तो जो जंग जो लगता है, इसको बचाने का भी तरीका आता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो समझिएगा रस्टिंग ऑफ आयरन का केस में क्या होता है, आयरन जो होता है, आयरन मतलब लोहा, ठीक है, रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर एंड मॉइस्चर। देखो मैंने पहले ही बताया मॉइस्चर और ऑक्सीजन एक रस्ट लगने के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है। और उसके बाद डेवलप करता है रस्ट, रस्ट का एक और नाम है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। अगर आपको ये नहीं याद रखना तो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको याद रखना तो सिर्फ ये याद रखिएगा, रस्ट बनने के लिए दो चीज़ों का होना आवश्यक है,
एक तो मॉइस्चर जो कि एटमॉस्फेयर में नमी जिसको हम बोलते हैं, और एक ऑक्सीजन जो कि मौजूद होता है एटमॉस्फेयर में, तो ये दोनों का मिल करके क्या होता है, रस्ट लगते हैं किसी भी मेटल्स पे। इसका ये रिएक्शन दिया हुआ है, अगर जिसको समझना होगा समझ लीजिएगा हम, लेकिन ये प्रेफर करेंगे कि अभी आप लोग इतना ना समझे, अभी सिर्फ आप इतना जान लो कि आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, तो और वाटर के साथ तो क्या बनाया, रस्ट, क्योंकि ये 8 क्लास से रिएक्शन आपको पढ़ना है, ठीक है, 8 क्लास से आपको ये रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है। देखो ये जो फिगर दिख रहा है, ये देखो जंग लगा हुआ है, ये सब सारा जंग लगा हुआ है इसमें, ठीक है, और जंग कैसे लगा, ये ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क में आया तो इसमें क्या हो गया, जंग लग गया, ठीक है। क्रोजन क्या हो रहा है, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है क्रोजन, अब कितने लोग को क्रोजन पता नहीं होगा, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं समझा देना चाहता हूँ, क्रोजन का मतलब होता है स्लो डिग्रेडेशन ऑफ मेटल, ठीक है, इसका भी होता है कोई भी मेटल का धीरे धीरे खराब होना, किसके वजह से, एटमोस्फेयरिक गैसेज और मॉइस्चर, मतलब रस्टिंग क्रोजन के अंदर ही आता है, ठीक है, रस्टिंग क्रोजन के अंदर आता है, क्रोजन भी वही चीज़ होता है, इसमें भी कोई भी मेटल खराब हो जाते हैं किसके किसके वजह से, मॉइस्चर और ऑक्सीजन के वजह से, ठीक है, मॉइस्चर और ऑक्सीजन इस पर अटैक करते हैं, जिसके वजह से कोई मेटल क्या होता है, खराब हो जाता है। जैसे कि कार का बॉडीज, अगर बहुत सारा बहुत दिन पुराना अगर कार ऐसे ही रखा हुआ है तो उसमें देखिए जंग वगैरह लग जाता है, ठीक है, ब्रिजेस, ब्रिज में देखे होंगे या कांटी देखे होंगे, सबसे बेहतरीन आप अपने घर में देख सकते हैं, जो छोटा छोटा कांटी आता है या जो कांटी आता है दीवार में की पिन करने के लिए, तो उसमें देख सकते हो जंग लग जाता है। अगर शिप जहाज की बात करें, ठीक है, जो कि नौका जो पानी में होती है उसमें भी जंग लगता है। कोई भी चीज़ जो मेटल्स का बना होगा, ठीक है, जनरली अगर हम बात करें इसकी, स्पेशली आयरन लोहे का बना होगा, उसमें क्या होता है, कोरोजन होता है, या हम बोल सकते हैं उसमें रस्ट लगता है, ठीक है। मैंने बताया रस्टिंग ऑफ कॉपर आयरन के बारे में, अब देखो रस्टिंग ऑफ कॉपर, देखिए अगर कॉपर में रस्ट लगता है तो क्या होता है, देखिए ये हरा हरा जो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये कॉपर में क्या हो रहा है, ग्रीन कलर डेवलप हो रहा है, ये आपका लग रहा है कॉपर में रस्ट लग रहा है, इसमें क्या होता है, कॉपर क्या करता है, किसके किसके संपर्क में, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और एटमोस्फेयरिक मॉइस्चर के संपर्क में क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है, मतलब कि कॉपर के सतह पर जैसे ही, जैसे मान लो ये वाला मेटल है, ये आपका कॉपर है, इसके सतह पर जैसे ही ये आपका ऑक्सीजन पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगा और मॉइस्चर आएगा, तो इसमें ग्रीन ग्रीन कलर का लेयर चढ़ने लगेगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉपर हाइड्रोक्साइड या कॉपर कार्बोनेट, जो भी आप एक्स्ट्रा चीज़ है, बस आप समझिएगा कि उससे क्या होता है, मेटल खराब हो जाता है, क्या हो जाता है, मेटल खराब होता है, रिएक्शन छोड़ देना है, रिएक्शन आपको नहीं देखना है, ठीक है, रिएक्शन अगर होगा भी तो हम आपको क्लास में समझाएंगे, 7 में रिएक्शन पढ़ना नहीं है, फिर भी आपको अगर जानना होगा तो क्लास में बताएंगे, बिकॉज रिएक्शन यहाँ पे बताएंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी आप 6 से 7 में आए हो, 6 में इतना हल्का हल्का पढ़ रहे थे, अब 7 में अचानक से आ गए हो, तो थोड़ा सा लेवल अप हुआ है, उसके लिए बेसिक देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये सब चीज़ का, इस चीज़ का तो कम से कम देना ज़रूरी है, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। देखो अगर हम बात करें सिल्वर का, जैसे ना देखिएगा एक सिल्वर का चम्मच, और देखिएगा टार्निश, टार्निश देखिए फेड हो गया, मतलब कि इसमें देखिएगा इसका जो शाइन था वो शाइन क्या हो गया, उतर गया, तो इन केस ऑफ टार्निशिंग ऑफ सिल्वर आर्टिकल द मेटेलिक सिल्वर रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर प्रेजेंट इन एयर। देखिएगा आपको पता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, व्हीकल इस्तेमाल करते हैं, तो उससे जो धुआं निकलती है उसमें सल्फर जो होता है मौजूद होता है, सल्फर गैस निकलता है, और जब ये सल्फर गैस जो होता है, या हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अभी देखो आपको समझ में नहीं आएगा, ये हाइड्रोजन गैस और सल्फर का मिक्सचर है, जब ये दोनों मिलते हैं तो ये बनाता है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं, तो जब इसके संपर्क में आता है, किसके, सिल्वर आर्टिकल्स के संपर्क में, तो उसको फेड कर देता है, उसको टार्निश्ड बना देता है, मतलब उसका कलर को डल बना देता है, ठीक है, कलर को डल बनाता है, तो ये मैंने देखा हम लोग केमिकल चेंज के बारे में, तो ये केमिकल चेंज आप देख रहे होंगे, इसमें कुछ नया प्रोडक्ट बन जा रहा है, पहले आप बोलिए सर, कितने लोग ये बोलिए सर ये था चम्मच, ये तो चम्मच ही है, तो कहाँ हुआ कोई चेंजेस, नया चेंज, ऐसा चम्मच था बन जाना चाहिए था, कुछ और प्लेट बन जाना चाहिए था, तो भाई वो अलग चीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, आप वो समझिएगा कि उसका फिजिकली रूप से चेंज हो रहा है। अगर हम केमिकली की बात करें, केमिकली की बात करें, तो आपको समझना है ये जो आपका चम्मच था, ठीक है, ये चम्मच था देखिएगा, ये सिल्वर कलर का, मतलब कि सिल्वर का कोटिंग किया हुआ था, अब बाद में ये टार्निश्ड हो गया, टार्निश्ड कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि उसका जो चमक था, ठीक है, सिल्वर का जो कोटिंग का जो चमक था वो उतर गया, मतलब अब ये पहले चमकता हुआ सिल्वर था, अब ये क्या है, आपका टार्निश्ड सिल्वर है, तो मतलब यहाँ पे देखिएगा वो सिल्वर पूरी तरीके से उसका रूप क्या हो गया, उसका ख़त्म कर दिया, उसी तरीके से ये सब सारा चीज़ इसमें न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका केमिकल
चेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, केमिकल चेंज। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो एक आता है हमारा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज अनदर केमिकल चेंज। अब कितने को भाई मैग्नीशियम समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अब ये पीरियोडिक टेबल का पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट होते हैं मैग्नीशियम, 12 नंबर पे होते हैं ये। ठीक है, ये आप समझोगे। अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम को, तो देखिएगा एक एक मेटल होता है, ठीक है, मेटल होता है। तो जैसे ही मैग्नीशियम का अगर एक धागा जैसा रचना, जिसको मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं, जैसे ही उसको हम जलाएंगे ना, यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में उसको लाएंगे, ये आपका मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के संपर्क में लाएंगे, तो ये बनाता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये क्या करता है, बहुत तेज़ी से जलता है, बहुत तेज़ी से जलता है। मतलब कि अगर आग के सामने लाएं मैग्नीशियम को, इसको कि ऑक्सीजन पता है कि आग अगर दे रहे हैं, जला रहे, तो ऑक्सीजन तो वहाँ मौजूद रहेगा ही। जैसे इसके संपर्क में आएगा, तो उसके बाद ये पाउडर टाइप स्ट्रक्चर बनेगा, या रचना होगी उसकी, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और जनरली ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो जब जब ये मैग्नीशियम जलता है ना ऑक्सीजन में, तो बहुत ज़्यादा लाइट निकलता है, इतना जैसे कि दिवाली में हम लोग क्रैकर्स जलाते हैं ना, पटाखे। तो जैसे जब आपको हम बताते हैं कि जो एक आता है क्या, उसको बच्चे का जो पटाखा, वो छुरछुरी जिसको बोलते हैं, तो उससे जो लाइट निकलता है ना, बिल्कुल उतना चमकता हुआ लाइट निकलता है जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा मैग्नीशियम बर्न करके ये रिबन एक बन जा रहा है आपका, कैसे में एक पाउडर जैसा रचना बन जा रहा है। तो जनरली एक नया चीज़ बन रहा है, तो इसको केमिकल चेंज के अंदर डालेंगे। आपको इतना एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि केमिकल चेंज होता क्या है। कितने लोग को ये चीज़ बाउंस कर रहा होगा, सर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये Mg का मतलब होता है बाबू मैग्नीशियम होता है। ठीक है, मैग्नीशियम और O2 बोलते हैं ऑक्सीजन को, तो रिएक्ट कर रहा है, तो ये बनाता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक पाउडरी तरह का होता है, राख जैसा होता है, पाउडर टाइप का होता है, वाइट पाउडर होता है, जो कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, लाइट से जलता है। अगर जिसको जलाया जाता है मैग्नीशियम को, बहुत तेज़ लाइट उससे निकलता है और ये बनता है, तो ये केमिकल चेंज है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हम ये लाइन नहीं हम एक्सप्लेन करेंगे, आपको और बाउंस होने रहेगा। जैसे कि अगर ये जो राख बना ना मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको पानी के साथ मिलाएंगे, तो एक तरह का और चीज़ बनाता है बेस, जिसको बोलते हैं एसिड बेस, आप पढ़े होंगे बेस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पढ़े थे ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का बेस होता है, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, रॉटन फ्रूट, ये भी आपका केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। किसका, अगर कोई एप्पल है या कोई फ्रूट है, वो पक गया, रॉट कर गया, तो वो भी क्या है आपका, केमिकल चेंज। ये सबसे केमिकल रिएक्शन हो रहा है अंदर में, रिएक्शन, इसमें ऐसा नहीं हो रहा कि फिजिकली रूप से चेंज हो रहा है, कि इसमें रिएक्शन हो रहा है, इसीलिए इसको केमिकल चेंज कहते हैं। आप कैसे चेंज में क्या क्या होता है, कैसे कहेंगे कोई भी चीज़ केमिकल चेंज है, जब भी किसी वस्तु का क्या होगा, कलर बदलेगा तो केमिकल चेंज, किसी वस्तु का स्टेट रूप में बदलेगा, मतलब लिक्विड से वेपर बन गया, अगर पानी को गर्म किया भाप में बदल गया, तो भी क्या हो रहा है, ये आपका केमिकल चेंज। अगर वो अपना स्मेल को, या बोल रहे हैं उसका स्मेल या उसका लुक या उसका कलर को बदल रहा है, तो आपका क्या होगा, वो केमिकल चेंज। ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल होता है, क्या होता है, स्मेल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद अगर तापमान में कुछ बदलाव हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मान लीजिए कि अगर उसको बर्न कैसे, देखिएगा चूना, चूना देखे होंगे घर में, चूना अगर चूना को पानी में डालिएगा, तो बहुत गर्म जैसा हम देखेगा कि वो चूना उबलता हुआ आपको दिखेगा, और जनरली वो कंटेनर जो होगा ना, वो काफ़ी गर्म हो जाएगा, काफ़ी गर्म हो जाएगा, तो इसका मतलब चेंज हो रहा है कुछ। ठीक है, तापमान में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये केमिकल चेंज के अंदर आता है। और जब भी कुछ ऐसा होता है, तो गैस भी कुछ रिलीज करता है, वो क्या करता है, गैस। जैसे आपको सिंपल सा बताते हैं, प्लांट्स क्या करता है, या हम लोग फूड जो होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है ना हमारे बॉडी में, ठीक है, ठीक है ना, तो वो देखिएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस टूटता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी निकलता है। ठीक है, एनर्जी निकलता है ना, एनर्जी निकलता है, उसी को तो हमारा बॉडी यूटिलाइज करता है। ये इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, इसीलिए आपको अभी सिर्फ हम बता रहे हैं। अगर हम एक क्वेश्चन देंगे कि कैसे हम पता करेंगे कि कोई भी चीज़ केमिकल चेंज है, तो आपको लिखना है, इधर से हम यहाँ से चलते हैं प्रीवियस से, कि कैसे पता करें चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे लिखना है आपको कि उसका चेंज ऑफ कलर हो रहा है, दूसरा स्टेट में बदलाव आ रहा है, तीसरा उसका जो ऑड हो रहा है मतलब स्मेल, वो बदल रहा है, फोर्थ हम बताएं कि इसका टेम्परेचर बदलेगा, फिफ्थ बताएं कि वो गैस
रिलीज करेगा, ये लिखना है। और कुछ एक्सप्लेन अभी आपको नहीं करना है, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक आपको सब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ज़्यादा आगे इसलिए नहीं जा रहा ताकि आपको चीज़ें बाउंस ना हो जाए, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, आराम से समझना है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। आपको मैंने ये बता दिया कि फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं, केमिकल चेंज किसको बोलते हैं, और केमिकल चेंज को कैसे पहचानेंगे कि इसमें केमिकल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे पांच ऐसे चीज़ के जरिए हम पहचान सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में यहीं पे क्विट कर रहे हैं, आप लोग पढ़ते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल शायद साइंस ही है, तो कल इसको हम आगे लेके चलेंगे, ठीक है।